मीडिया सेंटर में कांग्रेस पार्टी की पत्रकार परिषद दी जा रही है, आप सब लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब आप लोगों के सामने हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जनाब एजाज बेग साहब आप लोगों के सामने हाजिर है। आप लोग अपनी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से गुज़िश्ता 15 रोज़ों से अखबार के अंदर शहर के लीडरों का बयान चल रहा है। घर पट्टी के मामले में 100 करोड़ रुपए का जो काम आया है आउटर और मालेगांव में मिलाकर, जो इसके ऊपर सियासत चल रही है, इसके लिए हमने मुनासिब समझा कि कांग्रेस पार्टी ने इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर 100 करोड़ रुपए का काम आया, उसकी तफसील ये है कि विषय क्रमांक 274, सभा क्रमांक 19, दिनांक 30/11/2021, इस दिन ये महासभा हुई थी। उसके अंदर सूचक जो है श्री नीलेश भगवान आहिर और अनुमोदन है श्री शेख रशीद शेख सफ़ी साहब, इन्होंने ये 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसका काम आया और इसके अंदर स्कीम के अंदर काम आया 70-30% जो है मालेगांव महानगर पालिका देंगी, 70% जो है गवर्नमेंट देंगी। तुमने जो ठहराव करके भेजे थे उस वक्त के महापौर ताहिरा मैडम की दस्तखत से ये ठहराव है, इन्होंने जो ठहराव करके भेजे थे वही ठहराव का पैसा कॉरपोरेशन के अंदर सरकार ने दी। इसके अंदर कोई नया सरकार ने अपने तरफ से दी ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये शहर के अंदर वावेला मचा रहे कि 100 करोड़ रुपए का काम आया, मालेगांव सिटी के अंदर काम नहीं आया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता कि आप लोगों ने जब ठहराव करके दिए थे तो क्यों नहीं आपने मालेगांव शहर के और काम डाले थे? जो काम 100, मैं आपको जो लेटर दूंगा उसके अंदर पूरी तफसील है, उसके अंदर 100 करोड़ रुपये की, अगर आप चाहते तो 70% काम इधर डालते थे, 30% काम उधर डालते थे। बाकी ऐसा नहीं हुआ, ये असल में झगड़ा काम इधर 30% आया, मेरी समझ ऐसी कि झगड़ा उसका नहीं है, झगड़ा सब करप्शन का है कि पैसा जो मिलने वाला था मुझे लगता वो नहीं मिला, इसके लिए ये झगड़ा शुरू है गांव के अंदर। और सिर्फ शहर को हिंदू मुस्लिम की सियासत, दादा भूसे वर्सेस वो शेख रशीद और दूसरी पार्टी बताकर शहर को लोगों को उलझाना, लोगों को का जहन भड़काना, जिन्होंने खुद 5 साल राज किया उनका खुद का पेपर है ये, दूसरे का तो नहीं है, जो कॉरपोरेशन से मैं आपको निकाल कर देना चाहता हूँ उस तरीके से। दूसरी बात ये है कि ठहराव क्रमांक 418, सभा क्रमांक 69, 6/10/2020 को एक ठहराव स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ठहराव के अंदर ऐसा दिए ले आयुक्त तो कार्यालय जावक क्रमांक 100/20/9/2020 अन्य मालेगांव महानगर पालिका अध्यक्ष माल माता नंबर देने मिल्कियत से संरक्षण करने व इतर अनुषंगाने कामांचा सॉफ्टवेयर तैयार करून डाटा बेसला जोड़ने कामी में कोलोबा ग्रुप नागपुर यांचे प्रति मालमत्ता दर रुपये 585 व 5 वर्ष कालावधि साठी देखभाल दुरुस्ती करिता रुपये 130 प्रति मालमत्ता या प्रमाणे सादर केलेले द्रास मान्यता देने कामी विचार विनम करने। सूचना इसके अंदर है अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद और अनुमोदक है मदन बापू गायकवाड़। उसके बाद ऐसा ही नहीं हुआ, इसके अंदर ठहराव क्रमांक 418 इसका एक हवाला डाले ले महासभा ठहराव क्रमांक को 17/1/2019 का श्री सकाराम भिका घोड़के यांची सूचना वो श्री माजिद मोहम्मद युनूस यांचे अनुमोदक घेऊन मैं महासभा शहरात खूप कालावधीतून नवीन मिल्कियत से सर्व
सन झालेला नसल्याने नवीन मिल्कियतचा घरपट्टी आकारणी लावण्यात आलेली नाही. सबब शहरात मिल्कियतचे सर्व यांनी उन्होंने महासभा का हवाला दे के इसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजा और उसको नागपुर की एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दिया गया. उसकी वजह से मालेगांव शहर के अंदर जो घर पट्टी बढ़ के आई है उसके अंदर ये कंपनी के जो है उसको सर्वे देने के बाद घर पट्टी बढ़ के आई. उसमें इतना ही नहीं हुआ, घर पट्टी तो बड़ी बड़ी, कमिश्नर ने उसके बाद 600 रुपया कचरे के नाम पर उसके अंदर घर पट्टी के अंदर बढ़ा दिया, केरपट्टी के नाम से. जो अपुन ने बोए थे वो उगा, उसको पूरे शहर की तकलीफ अब हो रही है. जैसे मैं जिस तरीके से बोलता कि इस शहर के अंदर पावर लूम आगे चल के किलो से बिक जाएगा, मालेगांव की सनत तबाह हो जाएगी, जो तरीके से पावर लूम वाले, पावर हाउस वाले तकलीफ दे रहे. लाया भी इन्होंने ही था, लाया भी इन्होंने ही था, और ये उसके खिलाफ़ में भी चिल्लाते तो ये शहर को बेवकूफ़ बनाने का धंधा यहाँ के राजकीय लोगों ने बंद करना चाहिए. आप ये शहर की आवाम समझ चुकी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम पेपर लेके बैठ के बात कर रहे, बढ़ाते भी यही, मोर्चा भी यही लेके जाते, लड़ाई भी यही लड़ते जिन्होंने 5 साल राज किया है शहर के अंदर. किसी दूसरे का कोई राज नहीं था, खानवादा शेख रशीद साहब के घर के लोगों ने 5 साल पूरा राज किया. आप ये किसी को इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी तो नहीं कर सकते. इन्होंने शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद करना चाहिए. आवाम आप समझ चुकी है, इसके लिए आज हमको ज़रूरत पड़ी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और आवाम के सामने सारी हकीकत को बताना चाहिए. हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया है. आपको एक एक काफ़ी होंगे उसके अंदर, हमने प्रेस नोट के अंदर भी सारी तफसील से लिखा है. आप लोग हमारी बात को आवाम तक पहुँचाएँगे, मैं ऐसा चाहता हूँ. देखो मैं, हमने एक बात अच्छी से सुन लो, ये बात आपने अच्छी कर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता कि आपने हमसे ये पूछा. माँ 5 साल के अंदर कम से कम 3-3.5 साल महासभा जो है ऑनलाइन चली. ऑनलाइन चलने के बाद किसी की सुने नहीं गई, इन्होंने हमारी आवाज़ को दबाया और 5 साल इतनी बोगस गिरी की कि मेरी 25 साल राजकीय सफ़र के अंदर ये 5 साल इतना राजकीय बोगस काम किया गया कि हमारी आवाज़ को सुना भी नहीं गया. ऑनलाइन तो इनकी मजा थी, किसको सुनना है तो सुन रहे, किसी को नहीं सुन रहा है ये पास कर दे रहे. हमने पूरी तरीके से हर चीज़ की मुखालपत की. ये जो मीटिंग की तारीख है ये तो वाह हुई थी लगता था, ये मीटिंग महासभा स्टैंडिंग की मीटिंग, मैं स्टैंडिंग के अंदर मेंबर नहीं था 5 साल, इसके लिए वहाँ तो बोलने का सवाल ही नहीं आया. महासभा ये जो है ऑनलाइन महासभा थी, ऑनलाइन महासभा हुई है ये, और मैं स्टैंडिंग के अंदर नहीं था. जो स्टैंडिंग का ठहराव आपको दे रहा हूँ, मैं 5 साल स्टैंडिंग के अंदर नहीं था. इतनी आवाज़ दबाई गई, किसी को बोलने नहीं दिया गया, बस कोई बोलता था तो उसको बोलते थे बैठ. इस तरीके की दादागिरी करके 5 साल आवाम से दुश्मनी ली गई है. और मैं समझता हूँ कि ये आवाम से दुश्मनी जो हमारे माजी आमदार शेख रशीद साहब हरे उसकी दुश्मनी आज तक के लोगों से निकाल रहे हैं, उसका एक हिस्सा ये भी है. इन्होंने बंद करना चाहिए लोगों से दुश्मनी निकालने का काम, जो इन्होंने घर पट्टी, नल पट्टी, केर पट्टी जो भी बढ़ाए, 5% जो भी बढ़ी आज तक के नल पट्टी, ये इनकी ही देन है कि जो 5% रुक नहीं रही है केर पट्टी. नयाल अहमद के बाद आसिफ शेख साहब जब महापौर बने उसके बाद 5% जो गवर्नमेंट के अंदर से, ठीक है उसकी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन मरने दम तक थोड़ी रह सकती. अगर ये चाहते तो ये 5 साल के अंदर महासभा में विषय लाते और विषय लाकर 5% नल पट्टी को रुका सकते थे. बहरहाल ऐसा नहीं हुआ. शहर की आवाम के साथ ये खिलवाड़ है सबसे बड़ा, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का हम इसका निषेध करते. नहीं तो अभी ये बोल रहे ना, जो बोल रहे हैं उनको हक भी नहीं है ना फिर बोलने का. इन्होंने जो वेला मचा रहे थे इनका काम भी नहीं है. जब जिनके टाइम हुआ है तो ये चाहते थे 5 साल में कम कर सकते थे, इनको लगाए दे दिया, बुझाए दे दिया, फिर दे दिया के दे दिया. इन्होंने नहीं करना बोल, ये बात इनका करने का हक भी नहीं है इनको. बॉडी निर्णय ले सकती, बॉडी सब निर्णय ले सकती, बॉडी सक्षम रहती. इन्होंने ऐसी किसी को, शहर के लोगों को इन्होंने दिए नहीं. अगर इनका काम था, अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा के दी थी तो इनका काम था कि इन्होंने पेपर के अंदर देना था कि भाई गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी गाइडलाइन आई, ऐसी ऐसी सूचना आई ले पूरे शहर के अंदर. तुम चल के देखो आज हालत इतनी ख़राब है कि एक गटर को 2-3 दिन के बाद भी अगर साफ किया जाता 15 दिन सफाई कामगार नहीं है. कचरे का अंबार लगा है गाँव के अंदर, पूरे रोड रास्ते खंडर हो गए गाँव के, इसका जिम्मेदार कौन है? हमेशा
घन कचरे का जो कंपनी को दिया गया था वाटर गैरेज कंपनी को, जब जब उसका विषय लिया गया कि भाई इसको ब्लैक लिस्ट तो कर देने का, इसका ठेका रद्द तो कर देने का, सिर्फ उसको डराया धमकाया गया सिर्फ तोड़ी के लिए, पैसे के लिए। मेरा सरासर इल्ज़ाम है, मैं बोलता हूँ कि इन्होंने पैसे के लिए उसको डराया धमकाया गया और हमेशा उसका विषय लेकर उसको आगे ढकेल दिया गया। आज तक इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। शहर के अंदर चल के देखो, बीमारी फैल रही है, पूरे शहर के अंदर कचरे का अंबार लगा हुआ है। सब इन्हीं की देन है, जो कल तक के 5 साल जिन्होंने इक्तदार के ऊपर रहे, इनका ही काम है जिन्होंने ये किया है। ऑनलाइन महासभा छोड़ के वहाँ पर आ गया, वो हमारा काम नहीं है। हमको आगे झगड़ा झुगड़ा करने का, ये नहीं करने का। हमने इज्जत और एहतराम से 5 साल रहा। शेख रशीद साहब जब ऑनलाइन महासभा छोड़ के ऐसे भी चलाते थे ना महासभा, तो किसको बोलने नहीं दिया गया, बोलते थे बैठ, ये कोई बात थोड़ी थी। और जो भी शहर के अंदर हालात जितने खराब हुए, जितना करप्शन शहर के अंदर हुआ, उसके जिम्मेदार शेख रशीद साहब अकेले। पूरा शहर देखता था, पत्रकार लोग नहीं देखते थे, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, कोई बोलता था तो उससे झगड़े का मूड बना लेते थे। ये कोई बात थोड़ी थी, यानी किसी को बोलना नहीं है क्या, कानून नहीं है क्या कोई चीज़ का? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून है, तुम किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते हर आदमी को बोलने का। ये इन्होंने कभी किसी को महासभा में बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ आज सामने आई है जो आ रहे हैं सबसे। तीन करोड़ रुपया आपको मिला, मैं दो बात बोलूँगा आगे, फिर जमील चच्चा उसके बारे में बोलेंगे। हाँ बोले थे काम। 4 तारीख को इस महीने की टेंडर खुलने वाला था, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि ऑनलाइन 3 टेंडर भरे गए और ऑनलाइन 2 ही बता रहा था, उसकी स्लिप भी 3 की निकली। तो वो टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आयुक्त साहब को हमने बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने बोले कि 15 दिन का इसको रिटेंडर 14 दिन का कर देते, उसको रिस्क को मतलब कोई अगर कोर्ट कचहरी चले गया तो बिला वजह वो काम पेंडिंग हो जाएगा। तो उसकी कल की मुद्दत है, कल उसको कितना टेंडर आया मालूम पड़ जाएगा। और 17 तारीख को, कल 17 तारीख है ना, 17 तारीख को खुलेगा टेंडर, और 17 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कितना टेंडर आया, और 19 तारीख को टेंडर खुल जाएगा। अब आगे का रहा सवाल, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष साहब वो बताएंगे वो रोड के बारे में। शहर में काम काज और अच्छा काम काज, ठीक है, इसमें ये 3 करोड़ को लेकर मामला आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एक ऐलान तो है ना कि सलाटर हाउस से लेकर आगे हम लोग कहाँ तक इस रोड की तामीर करने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ लोग उसको डायनामाइट करने के लिए वहाँ पर अगर डामर रोड बना रहे हैं, हॉट मिक्स बना रहे हैं, तो इसमें किसका नुकसान है? हम क्या करेंगे, जहाँ तक वो बनाएंगे हम उसके आगे उसका 3 करोड़ का यूटिलाइज करके उसको आगे बढ़ा देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कौन तुम्हारे सामने है ना, कहाँ किस कौन लोग काम कर रहे, क्या ऐसा दिक्कत है क्यों वहाँ पर? एक खानदान का तो बहुत जोर जोर में नाम ले रहे, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का नाम ले रहे, तो कुछ लोग चलो ठीक है ना, मालूम है ऐसा कैसे, ठीक है ना। वहाँ पर जो लोग आज बरसर इक्तदार हैं शहर के, MLA मुफ्ती इस्माइल साहब अगर अपने एरिए में वो हॉट मिक्स का ये काम कर रहे हैं, अच्छा उनको इस बात की जानकारी नहीं, ऐसा तो नहीं है उनको जानकारी? हम लोग 3 महीने से इसके लिए पूछा है, एक हॉट मिक्स ना बनाते हुए वहाँ पर एक अच्छा काम हो, सीमेंट रोड हो और एकदम मियारी काम ऐसा हो कि लोग बोले कि नहीं ये बरसों की तकलीफ दूर होगी। थोड़ी देर तब हो रहा है, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा ऐलान है कि सलाटर हाउस उसको शुरू कर दो। एक हिस्सा कर रहे हैं और वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको जब कलेक्टर साहब ने इसकी रोड की मंजूरी दिया, तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देना चाहता हूँ, उन्होंने हमको आठी शर्ती डाली, मंजूरी दिया, किसी ने भी अल्लाह उसको अच्छा रखे कोई बात नहीं है, जो भी करता अल्लाह की मसलियत रहती, हमारा तो ईमान है। उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन करके बोले कि इस रोड की मंजूरी मत दो, यहाँ पर भुयारी गटर आने वाली है। कलेक्टर साहब ने जब कमिश्नर साहब को बोले कि अगर ऐसी बात का मुझको यहाँ पर फ़ोन करके किसी ने बताया तो उसका मामला क्या है, तो उन्होंने फिर मीटिंग के अंदर जाके उसको पूरा ये किया कि साहब ऐसा नहीं है, और ठीक है अगर ऐसा भी होगा तो हमको आठी शर्ती के अंदर जो कलेक्टर साहब 5 जिले के जो ये रहते विभाग आयुक्त, तो वो मीटिंग के अंदर उन्होंने हमको जो मंजूरी दिया, वो मंजूरी के अंदर उन्होंने ऐसा डाल के दिया कि उसके अंदर कॉरपोरेशन अपने खर्चों से पाइपलाइन डाली। पाइपलाइन का मंजर जो ये है कि भाई आप क्रॉसिंग पाइपलाइन डाले रोड के ऊपर, तो उसका 24 लाख रुपए का टेंडर भी है। वो टेंडर समझता हूँ जाए 2-4 दिन के अंदर इशू हो जाएगा, उसने कमिश्नर साहब ने उसको मंजूरी दिया। तो अगर वो पाइपलाइन डालकर हम सीमेंट रोड का काम चालू करते और कल
मुस्तकबिल के अंदर अगर गटर अपना भुयारी गटर का काम भी आता तो मैं समझता हूँ कि साइड के अंदर वो पाइप डालकर उसको जोड़ दिया जाएगा और वो रोड फूटेगा नहीं। तो इन्होंने काम चालू कर दिया, इनको बोला गया, यहाँ तक के नहीं उनको बोला गया, कल एक किसी बूढ़े आदमी ने उनको कल फ़ोन कर यानी अखबार के अंदर दिया था और देने के बाद उसने उसका नंबर भी दिया था, शमशेर नाम है शायद उनका, शमशेर नाम है ना साबिर भाई, उनको फ़ोन करके उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, उन्होंने फ़ोन करके उस आदमी को धमकी दिया, बोले पनपट्टी चलाता है, बोले तेरे यहाँ रेड करवा दूंगा, बोले मैं और डंडे पड़ेंगे बोले तेरे ऊपर, बोले इस तरीके को उन्होंने उनको धमकी दिया। आज अगर ये 50 लाख रुपये का काम होता है जो हार्ड मिक्सर का रोड का काम कर रहे हैं, ये पैसा भी पानी में ही जाएगा। जिस तरीके बड़े कब्रस्तान के पास 10 लाख रुपये का रोड बनाए थे जो उस वक्त इक्तदार के ऊपर लोग थे, इमरान शेख साहब ने बड़ी धूमधाम से बैनर लगाया कि हमारा काम है विकास करना, सबे बरात के दिन रोड बनाए, दो बारिश के अंदर रोड ख़त्म हो गया, आज जाके तुम वो धूल में से जा नहीं सकते, वैसा ही ये 50 लाख रुपये का काम का होने वाला है, ये पानी में जाएगा ये रोड का पैसा। क्योंकि जब हम जहाँ से सुलेमानी चौक के आप आगे रोड बनाएंगे वो कम से कम 2 फुट 1.5 फुट जो भी ऊँचा हो जाएगा, तो नया पूरे के अंदर जो पानी ये रोड के ऊपर आएगा और ये पूरा रोड पानी से फूट रहेगा बारिश के अंदर और ये रोड पूरा ख़राब हो जाएगा, ये 50 लाख रुपया पानी में जाएगा इनकी अडर्मी की वजह से। ये अडर्मी कर रहे मेरे हिसाब से, ये क्रेडिट लेने के चक्कर में कहे भाई नहीं मैं बनाया सुलेमानी रोड, हम तो ये भी क्रेडिट उनको दे देंगे भाई 3 करोड़ का तुम बनाए, हम भी बोल देंगे लोग को। बहरहाल ये आवाम का नुकसान कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर हम पाइपलाइन डाल के काम चालू करने वाले थे क्रॉसिंग जिसका 24 लाख का टेंडर है, ये इस तरीके की अडर्मी कर रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, शहर की आवाम बोल रही है और वो गली महल्ले के लोग भी बोल रहे हैं। बहरहाल आप कैसा है, आँख पे जब आदमी का बुरा वक्त आता ना तो अल्लाह ताला उससे कुछ छीनता है तो उसकी अकलों छीनता है, तो मैं समझता हूँ इनकी अकलों भी अल्लाह ताला छीन रहे हैं। ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो शहर वो रोड के पूरे रोड के लोग नाराज हैं उनसे। शहर में तामीर की वजह सिर्फ तामीर का दायरा हो रहा है, हर कोई अपने लोगों को जोड़ रहा है और किसी न किसी बहाने 40 साल खिदमत हो गया और दूसरे अतराब खिदमत हो गया वगैरह वगैरह। देखो जनता दल वाले क्या कर रहे हैं, MIM वाले क्या कर रहे हैं और शरद पवार कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों की शक्लों में ये अखराजात हो रहे हैं, सिर्फ अपनी ताकत का मजाहरा करने के नाम पे आवाम को धोखा दिया जा रहा है। काम दोनों तरफ हो रहे हैं, वो खामोशी से करते हैं और जहाँ तक मैं बोलता हूँ वहाँ मुखालफत तामीरी होती है। आउटर मालेगांव में आप लोग देख लें, उधर भी लीडरान है इधर भी लीडरान है, वहाँ जहाँ इज्तिमाई फायदा होता है कोई मुखालफत नहीं करता, यहाँ टांग खींचने का काम इसलिए होता है। मैं सबको बोल रहा हूँ, उसमें हम भी अपने आप को शामिल समझ रहे हैं, क्रेडिट लेने के नाम पर शहर का नुकसान जो इन दिनों हो रहा है इसके पहले कभी नहीं हुआ।